रणवीर सिंह ने ये तो पहले से ही मान लिया है कि वो एक कैरेक्टर ही हैं। लेकिन इससे आप ये मत समझ बैठिए कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर ढीला है। वैसे उनकी और अनुष्का शर्मा की रास लीलाओं की कहानियाँ तो हम आपको अक्सर सुनाते ही रहते हैं। Now I'm not seeing Anushka, now I'm seeing Anushka. Now I'm not seeing Anushka, now I'm seeing Anushka. मैं अनुष्का के सैंडल से बहुत डरता हूँ। लेकिन अब न्यूज आई है कि रणवीर सिंह ने एक इवेंट पर खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। रणवीर ने ऐसा क्यों किया, किसके डर से किया और कहाँ किया, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी स्टोरी में मिल जाएंगे। रणवीर सिंह 25 फरवरी को एक डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए आए थे, जहां पर बॉलीवुड के बड़े से बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी इस डिबेट में हिस्सा लेना था। रणवीर को ये पहले से ही पता था कि उन्हें बॉलीवुड की इन महान हस्तियों के साथ स्टेज शेयर करना है, इसीलिए रणवीर थोड़े से नर्वस नजर आ रहे थे। न्यूज है कि जब ये डिस्कशन शुरू होना था उससे ठीक पहले रणवीर ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, बहाना बनाया बाल बनाने का। रणवीर बाल बनाने के लिए अंदर तो गए, लेकिन बाहर मीडिया का जमावड़ा देखकर उन्होंने करीब 20 मिनट तक खुद को अंदर ही बंद रखा, क्योंकि बाहर निकलकर उन्हें मीडिया के बड़े बड़े सवालों का जवाब जो देना था। रणवीर बाहर तो आए लेकिन उनके बाल वैसे ही थे। बाहर आकर उन्होंने अपने जाने पहचाने अंदाज में पोज दिए। रणवीर आप अभी उसी कैरेक्टर में। अंदर गए तो बड़ी राहत की सांस ली, खुद को तैयार किया, लेकिन अचानक अपनी सीट से गायब हो गए। ढूंढा तो पता चला जनाब कुर्सी के नीचे ही छिप गए थे। रजब गजब हरकतें करते रहे। मीडिया के कैमरों को हैंडल करना तो रणवीर को खूब आता है। ओके, वी रेडी? नो मोर 1 सेकंड। ओके। लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब देने से पहले खुद को तैयार करने के लिए रणवीर बाथरूम में बंद हो गए, और जब 20 मिनट बाद उनका कॉन्फिडेंस वापस लौटा तभी वो बाथरूम से बाहर निकले। बेली के लिए नहीं मिल रही है आइटम गर्ल, लेकिन इस फिल्म की स्टार कास्ट मल्लिका, कटरीना और मलाइका में से किसे करना चाहती है चूज, चलिए देखते हैं। डेली बेली के आइटम नंबर के लिए हो रही है पोलिंग, चुने जा रहे हैं अपने फेवरेट्स दीपिका, कटरीना और मलाइका, दावेदार कई, मगर फिल्म के लीड एक्टर इमरान दे चुके हैं अपना वोट। माय वोट इज फॉर कटरीना, मैंने आमिर मामू को कह दिया है। इमरान ने ये बात आमिर मामू को बताई जरूर है, मीडिया ने भी कटरीना का नाम ही सजेस्ट किया था। आमिर के दिल में भी शायद यही चाह है, मगर डर है कि आप लोग मुझे जूते खिलवाने वाले हैं, आप लोग मुझे जूते खिलवाने वाले हैं। आमिर तो सलमान के दम से वाकिफ है, मगर शायद इमरान नहीं। जरा पूछिए इनसे कि क्यों है कटरीना इनकी चॉइस, तो इनका जवाब सलमान के साथ आपके भी होश उड़ा देगा। व्हाई कटरीना? जहाँ कटरीना की जवानी पर कमेंट किया जा रहा है, तो भला बदनाम हुई मुन्नी कैसे पीछे रह सकती है। फिल्म के एक और एक्टर वीरदास ने वोट किया मलाइका अरोड़ा खान के लिए। माय वोट इज फॉर कटरीना, मैंने आमिर रामू को कह दिया कि यू शुड मलाइका अरोड़ा। होल्ड ऑन गाइस, अगर सलमान ने सुन लिया कि उनकी भाभी और उनकी स्पेशल फ्रेंड कटरीना के बारे में आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, तो सलमान के पलटवार के बाद आपकी हालत कुछ ऐसी हो सकती है। कल शिल्पा शेट्टी ने रखी थी एक स्पेशल पार्टी, जिस पार्टी में पहुंची सबसे पहले रवीना टंडन। वी वंडर कि अक्षय की एक्स फ्लेम्स की आपस में कैसे हो रही है इतनी ज्यादा बॉन्डिंग। देखिए तो सही किसकी पार्टी में कौन आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, शिल्पा शेट्टी की पार्टी में पहुंची है रवीना टंडन। अब आप कहेंगे कि इसमें ताज्जुब की बात क्या है। जनाब ताज्जुब की बात ये है कि ये दोनों हैं अक्षय कुमार की एक्स फ्लेम्स, और अब जब इन दोनों की दोस्ती बढ़ रही है तो मीडिया और गॉसिप बाजारों में खबरें तोड़ेंगे ही। वेल, रवीना टंडन के अलावा इस पार्टी में पहुंचे संजय कपूर, मलाइका अरोड़ा खान, शेन वॉन और उनकी गर्लफ्रेंड लिज हर्ली भी, और इनके अलावा थे शिल्पा शेट्टी की क्रिकेट टीम के सारे क्रिकेटर्स। हैव अ लुक। Anyway, this was just a teaser. Watch full party coverage tonight in our show Be Tonight at 10 PM. सलमान खान ने मुंबई के एक स्टेशन मुंबई सेंट्रल में शूट किया फिल्म बॉडीगार्ड का एक सीन, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इस शूट की कुछ पिक्चर्स। ये
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई सेंट्रल की ओर जाने वाली गाड़ी कुछ वक्त डिले हो रही है क्योंकि वहां दबंग सलमान खान कर रहे हैं शूटिंग। जी हाँ, मंडे को कुछ इसी तरह की अनाउंसमेंट जरूर हो रही होगी क्योंकि मंडे मॉर्निंग सलमान खान कर रहे थे मुंबई के स्टेशन मुंबई सेंट्रल में फिल्म बॉडीगार्ड के लिए शूटिंग, और हम आपके लिए लेकर आए हैं शूटिंग लोकेशन के ये खास पिक्चर्स। हियर वी गो। सलमान खान बॉडीगार्ड की ड्रेस में है, पहले सीन में वो ट्रेन में है और दूसरे सीन में वो ट्रेन के पास खड़े होकर शूट कर रहे हैं। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान ने सीन को वैसे ही शूट किया है जैसे शाहरुख ने DDLJ के लिए शूट किया था। लेकिन इस खबर में कितनी है सच्चाई, वेल ये तो बॉडीगार्ड के बॉक्स ऑफिस पर आने पर ही पता चल पाएगा। सोनम कपूर की हेल्थ हो गई थी काफी खराब और अब जूम को न्यूज मिली है कि डॉक्टर ने सोनम को अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहने के लिए कहा है। जूम ने आपको बताया था कि कैसे सोनम को कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था और जिसकी वजह से डायरेक्टर पंकज कपूर को हो गया था लाखों रुपए का नुकसान भी। लेकिन अब सोनम हो गई है बिल्कुल ठीक और उन्होंने शूटिंग करना भी शुरू कर दिया है। पर सोनम को मिली है डॉक्टर से एक सख्त इंस्ट्रक्शन और वो इंस्ट्रक्शन ये है कि सोनम नहीं कर सकती ड्रिंक। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज हमें पता चला है कि सोनम वॉज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट्स व्हाई टू इंश्योर सोनम डजंट रिलैप्स इनटू इट उनके डॉक्टर ने एज अ पार्ट ऑफ प्रिकॉशन इंस्ट्रक्ट किया है कि उन्हें अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना है। और खबर में ट्विस्ट ये है कि आजकल सोनम स्विट्जरलैंड में प्लेयर्स की शूटिंग कर रही हैं, जहां उनके बाकी कोस्टार्स ब्रांडी का मजा ले रहे हैं, वहीं सोनम सिर्फ कॉफी और टी से कर रही हैं गुजारा। मिनिशा लांबा को फ्रांस में हुई बहुत दिक्कत, कान फिल्म फेस्टिवल से इंडिया आते हुए उनका एक इम्पोर्टेंट बैग हो गया चोरी। Minissha Lamba was recently in Cannes having a great time. Lekin India aate waqt, Minissha Lamba went through a bad experience. She lost her baggage at the France airport. Well, we tell you in detail. Darasal Cannes mein red carpet walk karne ke baad, Minissha Lamba India wapas laut rahi thi. Lekin tabhi airport mein unhone dekha ki unka ek bag gayab hai, jisme kaafi important documents aur accessories thi. Minissha ne airport authorities se iski complaint ki, lekin kisi ne bhi unki madad nahi ki. Minissha idhar se udhar bhagti rahi, lekin kisi ne bhi nahi ki unki help. Well, kya Minissha ko finally unka बैग मिल पाया या फिर नहीं, इसके लिए जूम ने जब मिनिशा से कांटेक्ट किया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बट दिस इंसिडेंट इज श्योरली रेजिंग आईज ऑन द वर्किंग स्टाइल ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटीज। आमिर खान है परफेक्ट फादर क्योंकि अपने बेटे जुनेद के इवेंट के लिए आमिर ने कर दिया दिल्ली बेली का इवेंट कैंसिल। आमिर है परफेक्ट एक्टर, परफेक्ट डायरेक्टर, परफेक्ट प्रोड्यूसर और अब वो बने हैं परफेक्ट पापा टू हिज किड्स जुनेद एंड आयरा भी। दरअसल हाल ही में आमिर ने अपने डेली बेली प्रमोशंस और धूम 3 के लुक टेस्ट से टाइम निकाला खास अपने बच्चों के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस अपने बच्चों के लिए उन्होंने डेली बेली का एक इवेंट भी कैंसिल कर दिया। ये पिक्चर्स है आमिर की हाल ही में अटेंड किए एक कॉलेज फंक्शन की, जहां प्राउड पेरेंट्स आमिर और किरण ने खूब सोशलाइज किया बाकी पेरेंट्स से। सुनने में ये तक आया है कि जिस कॉलेज क्लब की ये मीटिंग थी उसी क्लब के प्रेसिडेंट है आमिर के बेटे जुनेद। वी मस्ट से मिस्टर परफेक्शनिस्ट परफेक्ट एक्टर होने के साथ साथ अनडाउटेडली परफेक्ट फादर भी हैं। सलमान और सोनाक्षी ने देखी एक इंग्लिश फिल्म और हम आपके लिए लेकर आए हैं थिएटर में जाते सलमान और सोनाक्षी के एक्सक्लूसिव विजुअल्स। सलमान खान के इंतजार में बैठा इंतजार कर रहा है इनका परिवार। रात के 11 बजे आखिर क्यों कर रहे हैं ये सलमान के आने का इंतजार? लो, काफी इंतजार के बाद सलमान की सवारी भी आ गई। लेकिन अब किसका हो रहा है इंतजार, चलिए राज खोल ही देते हैं। सलमान और उनकी फैमिली जमा हुए मुंबई के एक थिएटर में एक इंग्लिश फिल्म देखने। फिल्म का नाम था फास्ट एंड फ्यूरियस 5। वेल, खबर में ट्विस्ट ये है कि यहाँ फिल्म देखने के लिए सोनाक्षी सिन्हा भी आई। देखिए जरा मीडिया को देखकर सोनाक्षी कैसे हेजिटेट कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज सोनाक्षी और सलमान दोनों ने एक साथ बैठ कर ही देखी ये फिल्म, लेकिन जब बाहर आना था तो दोनों आए अलग अलग और आते ही अपनी गाड़ियों में बैठ कर चले गए। चलिए इन विजुअल से इतना तो क्लियर हो ही गया कि सलमान सोनाक्षी से उनके बड़बोलेपन की वजह से नाराज तो थे, लेकिन अब नहीं है क्योंकि नाराज होते तो स्क्रीनिंग के लिए ना बुलाते।
बीच मीडिया को सामने देख सलमान ने जूम से की गुजारिश वहाँ से जाने की, लेकिन उससे पहले खाना खा के जाने की गुजारिश भी की, लेकिन मूडी सलमान मीडिया से बात नहीं करना चाहते थे। चलिए फिल्म शुरू हुई और सब अंदर चले गए। फिर आई सलमान की दबंग गर्ल सोनाक्षी, जो पहले तो मीडिया को देख कर थोड़ा घबरा गयी और तेजी से अंदर चली गयी। सलमान और सोनाक्षी ने फिल्म एक साथ बैठकर देखी और जाते वक्त न जाने क्यों दोनों ने ना ही मीडिया के सामने एक दूसरे से बात की न तस्वीरें खिंचवाई और अपनी अपनी कार में बैठकर चले गए। तो कुछ इस तरह सलमान और सोनाक्षी ने बिताई एक शाम एक इंग्लिश फिल्म साथ देखकर। रजनीकांत की बीमारी के वजह से फिल्म राना आ गई है प्रॉब्लम में और अब जूम को न्यूज मिले है कि फिल्म को इंश्योरेंस तक नहीं मिल रहा। जूम ने आपको खबर दी थी कि रजनीकांत की तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से फिल्म राना हो रही है डिले, जिससे दीपिका पादुकोण को भी काफी दिक्कत हो रही है। और अब सुनिए आगे की खबर, और खबर ये है कि इस फिल्म को अब इंश्योरेंस भी नहीं मिल रहा। जी हाँ, जहाँ एक वक्त में रजनीकांत की फिल्म शुरू होने से पहले ही इंश्योरेंस कंपनीज की लाइन लग जाती थी, वहीं इस बार फिल्म के प्रोड्यूसर्स इंश्योरेंस कंपनीज के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं, लेकिन कोई भी फिल्म को इंश्योरेंस नहीं दे रहा और इसकी वजह बताई जा रही है रजनीकांत की इल हेल्थ। वैसे कल रात जब जूम को एक इवेंट में रजनीकांत के को स्टार सोनू सूद मिले थे तो उन्होंने जूम को न्यूज दी थी कि रजनीकांत अब ठीक हो गए हैं। रजनी सर वाज नॉट फीलिंग वेल बट आई थिंक ही इज फाइन नाउ एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लंदन शेड्यूल व्हिच इज स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ एंड देन अगेन वी हैव अ शेड्यूल इन चेन्नई एंड ऑल सेट फॉर नेक्स्ट ईयर रिलीज एंड आई एम श्योर यू नो इट्स गोइंग टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स। चलिए सोनू सूद ने तो रजनीकांत की हेल्थ को लेकर कॉन्फर्मेशन दे दिया। वी एक्सपेक्ट कि फिल्म को अब इंश्योरेंस मिलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुंबई में हॉन्टेड की सक्सेस पार्टी, जहां सेलिना विदाउट मेकअप के ही पहुंच गई। वी होप इस एक्ट के पीछे सेलिना का इंटेंशन लोगों को डराने का ना हो। सेलिना जेटली वैसे तो हमेशा ही ज्वेलरी और एक्सेसरी से सजी धजी रहती हैं, लेकिन कल रात हुई हॉन्टेड की सक्सेस पार्टी में सेलिना पहुंच गई बिना मेकअप के। लेकिन क्यों? I've been in this industry for almost 8 years now. And I'm fed up of being the glamour doll. This is Celina and this is exactly how she looks without makeup. वैसे बिना मेकअप के भी आप इतनी बुरी नहीं लग रही हैं कि हॉन्टेड में आके किसी को डरा सके। Anyway, Celina, आप आजकल हमें छोटे स्टार्स को प्रमोट करती नजर आ रही हैं। क्या है इसकी वजह? We are fed up of being stars. We have to be actors now, you know. Oops, you're fed up of being a star. लेकिन Celina, आप स्टार थी ही कब? हमें तो याद ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको याद आ जाए तो जब हम नेक्स्ट टाइम मिले तो जरूर बता दीजिएगा। जिया खान की किस्मत तो नहीं बदल रही, शायद इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलने का फैसला लिया है। जिया खान, आपको नाम पर याद ही होगा ना? यस, ये वही हीरोइन है जिन्होंने अमिताभ के साथ इंटिमेट सीन्स देकर बॉलीवुड को निशब्द कर दिया और इसी निशब्द गर्ल को अपने नाम के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा। जी हाँ, जिया खान बदलना चाहती हैं अपना नाम। जिया ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई नेम बैक टू माई ओरिजिनल नेम नफीसा, व्हाट डू यू गाइस थिंक? जिया खान अपने फैन से मांग रही है सजेशन नाम बदलने का, लेकिन जिया सिर्फ नाम बदलने से ही अगर बॉलीवुड में आपका नाम हो जाएगा, अगर आप ये सोच रही हैं तो ये बात है बिल्कुल गलत, क्योंकि बॉलीवुड में आपकी पहचान नाम से नहीं काम से होती है। रितेश देशमुख आजकल एक नए तरीके की मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत बाथटब में हो रही है, वो भी हॉट गर्ल्स के साथ। ये रितेश की मेहनत है, ये अरशद वारसी की मेहनत है, ये जावेद जाफरी की भी मेहनत है। एक बात टब में खूबसूरत हसीनाओं के बीच नहाते इन स्टार्स के सीन को रितेश देशमुख ने मेहनत ही बताया है। और कन्याओं के साथ ये जल क्रीड़ा, हमारा मतलब है मेहनत की जा रही है डबल धमाल के सेट्स पर, जिसकी तस्वीर जब रितेश ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाली तो उसे मेहनत का नाम दे दिया। रितेश ने इस पिक को डालते हुए लिखा, कितनी मेहनत का काम है। इस तस्वीर को अपलोड करते ही जैकी भगनानी ने अपने मनसूबे साफ कर दिए। जाकी ने रितेश को कहा कि कन्याओं के साथ जल क्रीड़ा करने की ऐसी मेहनत तो उनको भी करनी है। बस जैकी के ये कहने की देर थी कि रितेश ने खोल दी जैकी भगनानी की पोल। उन्होंने इंटरनेट पर इनडायरेक्टली ये हिंट दे दिया कि जैकी कितने बड़े फ्लर्ट हैं। रितेश ने लिखा, आपने जितनी मेहनत की है उतनी तो मैंने भी नहीं की है, ये मेहनत कहीं जैकलिन के साथ तो नहीं चल रही जैकी की। और अब हम आपको देते हैं एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि फिल्म गुजारिश में ऋतिक रोशन की व्हीलचेयर का कोई खरीदार नहीं है।
चार स्टार की फिल्म हिट होने की वजह से बन जाती है टॉक्ड अबाउट, वहीं दूसरी तरफ ऋतिक की फिल्म बन जाती है टॉक्ड अबाउट फ्लॉप होने की वजह से। चाहे बात हो काइट्स की या फिर गुजारिश की, बोथ द फिल्म्स फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस। इनफैक्ट गुजारिश का इंडस्ट्री में काफी मजाक भी उड़ाया गया था। सबसे बड़ा मजाक उड़ाया था सलमान खान ने, ये कहकर कि फिल्म देखने एक कुत्ता भी नहीं आया। एंड नाउ हमें पता लगा है कि फिल्म में यूज की गई ऋतिक की चेयर हैज नॉट फाउंड एनी टेकर्स। दरअसल फिल्म में ऋतिक प्लेज अ मैजिशियन हु इज नाउ व्हीलचेयर बाउंड, एंड नाउ दैट द फिल्म इज ओवर ऋतिक की वो कुर्सी खाली पड़ी है। पिछले कई महीनों से ये चेयर संजय लीला बंसाली के ऑफिस में ही पड़ी हुई है। इनफैक्ट बंसाली इज ट्राइंग टू डोनेट इट टू समबडी नीडी, बट इसके बाद भी देयर इज नोबडी हु वांट्स टू टेक इट। वेल, हम तो यही समझते थे कि सारा खेल कुर्सी का है एंड कुर्सी पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट दिस वन इज क्वाइट अ ट्विस्ट।